हाय नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव थिंकर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो आपके घर से रिलेटेड है। अगर आप अपने घर का निर्माण कार्य करवा रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी हद तक मदद करेगी। दोस्तों जनरली गर्मी के सीजन में मैंने लोगों को कहते सुना हो कि हमारे घर की जो छत है बहुत ज्यादा हीट करती है या जल रही है या तप रही है, इस तरह का हम कहते हुए लोगों को सुनते हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे घर की छत है वो जले नहीं, तपे नहीं, बिल्कुल कूल रहे गर्मी के सीजन में। गर्मी के सीजन में कई घरों में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरली हम लोग सुनते हैं कि जो मेरा घर है फर्स्ट फ्लोर पे है या मेरा घर है सेकंड फ्लोर पे, फिर भी मेरा घर बहुत गर्म रहता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे टेक्निकल फंडे हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर दें ताकि हमारा घर कूल रहे, हमारा घर ठंडा रहे, उसमें एसी भी लगाने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल कूलर या पंखे से ही काम चल जाए। तो इसी पे ही मेरा आज का टॉपिक है, कैसे हम अपने घर को कूल किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल है, सही बात है, घर को हम कूल रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है, निर्माण की जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है मार्केट में और वो हो रही है, वो हम इम्प्लीमेंट करके अपने घर को कूल रख सकते हैं। इसी पे आधारित मेरा आज का टॉपिक है और यह आपकी काफी हद तक मदद करेगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल स्वाइप मत करना, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि गर्मियों के सीजन में मेरे घर की छत है वो तपे नहीं, जले नहीं, हीट प्रोड्यूस नहीं करे, मेरा घर है बिल्कुल कूल रहे, तो आपको करना क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। दोस्तों आपको अपने घर की जो छत है, जो नीचे का एरिया, घर की छत की जो सीलिंग एरिया है, उसके ऊपर आपको पफिंग करवानी पड़ेगी, पफ इंसुलेशन करवाना पड़ेगा। इसका जो टेक्निकल नाम है मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, पफ इंसुलेशन। पफिंग इंसुलेशन आज की डेट में इंडिया में काफी हो रही है, ऑफिस एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। पफ इंसुलेशन एक प्रकार का मेटेरियल है, बिल्कुल लाइट वेट मेटेरियल है। मैं इसमें एक वीडियो क्लिप भी के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह का पफ इंसुलेशन होता है। अगर पफ इंसुलेशन हमने सीलिंग में लगा दिया, अपने घर की जो छत है उसके अंदर पफ इंसुलेशन हमने फिक्स कर दिया, तो जो ऊपर से जो सन रेज है, जो सूर्य की किरणों की जो हीट आए गर्मी के सीजन में, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, ताकि जो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जो घर का जो छत है, जो आरसीसी है, जो गर्म हो जाती है, उसके बाद में वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो वो जो हीट है उसको सोख लेगा। दोस्तों आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पफ इंसुलेशन है, इसी को पफिंग बोलते हैं, जो सीलिंग एरिया में करवाया जाता है। दोस्तों पफिंग इंसुलेशन कमाल की चीज है, जो आपके घर की छत को गर्मी से बचाएगी, हीट से बचाएगी, गर्मी के सीजन में आपका घर बिल्कुल नहीं जलेगा, नहीं तपेगा, अगर आपने इस तरह से पफिंग करवा ली है। तो इसी तरह से पफिंग इंसुलेशन होता है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, क्लियर, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरह से पफिंग किया जाता है घर की छत में। तो जो गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा घर की छत हीट हो जाती है, ऊपर से जो डायरेक्ट सन रेज आती है, तो जो घर की छत है वो हीट प्रोड्यूस करती है, गर्मी प्रोड्यूस करती है, तो हम कहते हैं कि घर की छत जल रही है, यार मेरा तो जीना मुहाल हो गया है, मेरा अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि मेरा घर का जो छत है बहुत जल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है अंदर। तो ये एक टेक्निकल फंडा मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये काफी हद तक मदद करेगा। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो आपको करना क्या होगा, आपको पफिंग करवानी पड़ेगी। पफिंग आज की डेट में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पफिंग इंसुलेशन अगर हमने अपने घर की छत में करवा दिया तो हम काफी हद तक जो हीट है उसको कंट्रोल कर देंगे। जो पफिंग होगा हमारे घर की सीलिंग में होगा, जो सीलिंग में जब पफिंग हो जाएगा, पफ इंसुलेशन हो जाएगा, तो जो हीट है, जो जो सन रेज है, जो सूर्य की किरणें हैं, जो गर्मी है, उसको हीट को ऑब्जर्व करेगा, वो जो सोख लेगा वो मटेरियल। तो पफिंग इंसुलेशन से काफी हद तक आप अपने घर को कूल रख सकते हो, मेरा कहने का मतलब यह है। तो पफिंग इंसुलेशन कैसे होगा, तो इसका मटेरियल भी आज की डेट में इजिली अवेलेबल है, मैं बता दूंगा आपको कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है। दोस्तों जो मैंने पहला टेक्निकल फंडा है मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पहला टेक्निकल फंडा यह है कि आप अपने घर की पफिंग करवाइए, छत की पफिंग करवाइए, पफ इंसुलेशन करवाइए अगर आपको गर्मी से बचना है तो। अब सेकंड क्या है, सेकंड है जो सेकंड टेक्निकल फंडा है, आप अपने घर की छत में फॉल सीलिंग करवा दीजिए। जैसे ही पफिंग इंसुलेशन हो जाएगा, पफिंग इंसुलेशन देखने में अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए आपको फॉल सीलिंग करवाना पड़ेगा। फॉल सीलिंग भी आज की डेट में एक से एक मार्केट में अवेलेबल है, आप फॉल सीलिंग करवा दीजिए अपने घर की छत में। इसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने घर का जो अमूमन हम देखते हैं कि 3 मीटर 3.5 मीटर पे हम लोग स्लैब कास्टिंग करते हैं घर की छत होती, तो उसमें आपको 1 मीटर प्लस
हाइट की आपको स्लैब कास्ट करनी होगी ताकि पफ इंसुलेशन या पोल सीलिंग का काम आसानी से किया जा सके। तो जो तीसरा टेक्निकल फंडा है वो क्या करना होगा, उसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपके जो घर के एक्सटर्नल वॉल्स है उसको केविटी डिजाइन करवाना पड़ेगा। अब आप ये पूछोगे केविटी डिजाइन होता क्या है, तो दोस्तों केविटी डिजाइन दो तरह की वॉल्स होती है, घर के जो बाहर की जो दीवारें होती है दो वॉल्स एक साथ लेके चलना पड़ता है, 9 इंच 4 इंच और बीच में 50 mm का गैप रखना पड़ता है। और जो 50 mm का गैप होता है उसके अंदर हम लोग जनरली रोकुल फिल कर देते हैं। जो रोकुल जो मटेरियल होता है, जो सन रेज होती है, जो सूर्य किरणें होती है, जो गर्मियों के सीजन में जो हीट होती है उसको अब्सॉर्ब करता है, उसको सोख लेता है, और जो बाहर की जो हीट होती है वो घर के अंदर नहीं आ पाती है और आपका घर बिल्कुल कूल रहता है। तो मैंने आपको तीन टेक्निकल फंडे बता दिए कि गर्मियों के सीजन में आपका घर बिल्कुल जलेगा नहीं, तपेगा नहीं, हीट नहीं होगा, आपको एसी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कूलर पंखे इससे भी काम चला सकते हो। उसके लिए मैंने आपको अलग अलग से एक्सप्लेन किया है कि आपको पफ इंसुलेशन करना है, होल सीलिंग करवानी है अपने घर में, और आपके जो घर की आउटर जो दीवारें हैं उसको केविटी डिजाइन करवाना है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को इन सब चीजों का कैसे पता है, तो दोस्तों मैं भी प्रोफेशनल एक सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा भी काम निर्माण क्षेत्र से रिलेटेड है और 10 या 11 साल से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ, तो मेरे को इन चीजों का अच्छे से नॉलेज है कि कैसे अपने एक अच्छे से अच्छा घर या आशियाना हम अपने लिए बनवा सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। समय समय पर अगर आपका अच्छा फीडबैक रहा, आपके अच्छे कॉमेंट्स रहे, तो मैं एक से एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन जब तक आप लोग अपना सपोर्ट नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक्स नहीं करेंगे, कॉमेंट नहीं करेंगे, तो मेरा जो मनोबल है वो अप नहीं हो पाएगा और मैं अच्छे से अच्छी जानकारी आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, दोबारा से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए।